हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ परफेक्ट गैस का टॉपिक, जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी जो है बॉयल्स ला स्टडी किया है, चार्ल्स ला एंड गेलुसेक ला सब ऑलरेडी जो है हमने फ्रेंड्स स्टडी किया है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी दिस जनरल गैस इक्वेशन। फ्रेंड्स, बॉयल्स ला क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स ला कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड गेलुसेक ला कहता है, या डेग्नोल्ट ला भी बोलते हैं इसको, यह कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। हियर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड हियर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स, बट एक्चुअल केस में क्या होता है, दिस प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों वेरी करता है। बॉयल्स ला जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रिलेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम में बताता है। चार्ल्स ला जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। एंड गेलुसेक ला जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताता है। बट फ्रेंड्स, जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जो गैस होती हैं, प्रैक्टिकल जो गैसेस होती हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों चेंजेज होता है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तीनों चेंजेज होता है। तो उस केस में क्या है फ्रेंड्स, हम जनरल गैस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू डील विथ ऑल प्रैक्टिकल जो केसेस हैं, ऑल प्रैक्टिकल केसेस जो हैं, जो डिफरेंट प्रैक्टिकल और जो एक्चुअल जो है अपनी गैसेस हैं, वो क्या करती हैं फ्रेंड्स, बॉयल्स ला चार्ल्स ला को कंबाइन करने पर जो इक्वेशन बनता है उसी को हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। सो फॉर प्रैक्टिकल गैसेस, अ प्रैक्टिकल केस के लिए हमें इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। सो अगर कॉम्बिनेशन करने के बाद जो इक्वेशन बनता है उसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। फ्रॉम हियर यू सी बॉयल्स ला क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड दिस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ प्रेशर। चार्ल्स ला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बॉयल्स ला क्या है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ प्रेशर, सेम इट विल कम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम चार्ल्स ला, दिस इज बॉयल्स ला, दिस इज चार्ल्स ला क्या कर रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो यहां से तीनों में रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो क्या है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T इंटू 1/P और प्रोपोर्शनल टू T/P। ओके, सो फ्रॉम हियर बोथ दिस ऑल टर्म्स, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी टर्म्स आ गया। तो यहां से जो एक रिलेशन बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं। यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी वॉल्यूम है तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो कांस्टेंट सी इंटू T/P। तो सी क्या, यहां से सी इज द कांस्टेंट। ओके, सी इज द कांस्टेंट। तो यहां से क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमें, दिस वी इंटू पी इज इक्वल टू सी इंटू टी। ओके, दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन। और फ्रॉम हियर क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स,
from here, see V into P divided by T is equal to constant. Okay, P into V divided by T is the constant. और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P1 V1 by T1 is the P2 V2 by T2. So this equation is the general gas equation. General gas equation when we are combining the Boyle's law and Charles' law for all practical cases. Getting friends? So for all practical cases, general gas क्या होता है? General gas equation क्या हो जाएगा हमारा? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 by T2 is the general gas equation. Okay? So friends, मेरा explanation अच्छा लगे, please like कीजिए. नहीं अच्छा लगे तो dislike कीजिए. Comment कीजिए friends. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके. थैंक यू फ्रेंड्स.